ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मकर राशि वालों का नवंबर के महीने में कैसा हाल रहने वाला है और सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय करने होंगे जिससे कि आपका ये महीना बेहतर हो जाए। जी हाँ, आइए सबसे पहले समय लेते हैं 1 से 10 नवम्बर का। चंद्रमा द्वादश के हैं, इसीलिए आरंभ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 3 तारीख से वर्चस्व बढ़ेगा आपका और नए कार्य की प्राप्ति होगी। आय भी अच्छी बनी रहेगी। विरोधी का स्वर नीचा होगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। स्वयं की सूझबूझ से सभी कार्य करने में सफल होंगे आप। वरिष्ठ लोग सहयोग प्रदान करेंगे आपको और नए व्यापार में वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं 11 से 20 नवम्बर का। मंगल की दृष्टि प्राप्त होगी और गुरु द्वादश के हो चुके होंगे। चंद्रमा चतुर्थ होने से 13 तक स्थितियां पक्ष की नहीं रहेंगी आपके। सावधान रहें, कार्य में बाधाएं आएंगी, उसके बाद से समय आपके पक्ष का हो जाएगा। प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है आपको और कार्यस्थान पर प्रभाव बना रहेगा। नौकरी में कनिष्ठ अनुकूल बने रहेंगे और कारोबार की गति भी बनी रहेगी। 19 और 20 तारीख को चिंता रहेगी, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। इसके बाद बात करते हैं 21 से 30 नवंबर की। चंद्रमा नवम के रहेंगे, आय अच्छी बनी रहेगी और कार्य समय पर आपके संपन्न होते रहेंगे। संतान से सुख मिलेगा और विरोधी नियंत्रण में रहेंगे। योजनाएं सफल होंगी। महीने के अंत के समय विपरीत परिणाम दे सकता है ये। निवेश करने से पहले विचार करें और किसी को उधार न दें। विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं, इसलिए सावधान रहें, वाहन से कष्ट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नौकरी वाले लोगों की। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई बड़ी टास्क आप समय से पहले पूरी कर पाएंगे। अधिकारियों का आपके प्रति रवैया सहयोगात्मक रहेगा। बात करें व्यापार की, तो व्यापार में इस महीने अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। आपकी योजनाएं एकदम सटीक तरह से पूरी होंगी और कर्मचारियों और साझेदारों का भी सहयोग मिलेगा। बात करें परिवार के लोगों की, तो परिवार के लिए समय अच्छा है। माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं कम होंगी, आपको सहयोग मिलेगा। संतान से सुख प्राप्त होगा, कोई सुखद सूचना आपको मिल सकती है। बात कर लेते हैं सेहत की। सेहत ठीक है, लेकिन शनि की 7.5 का पूर्ण प्रभाव आप पर रहेगा। इस कारण से वाहन चलाने में काफी सावधानी बरतनी होगी, चोट लगने की आशंका बनी रहेगी। वहीं बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में सहयोग और समर्पण का माहौल रहेगा। जीवन साथी आपके मन की बात और आपकी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। वहीं बात करें संपत्ति की, तो संपत्ति में लाभ के अवसर हैं। आप पुराना मकान या दुकान बेचने का मन बना सकते हैं। किसी भी तरह से आपको एक लाभदायक अवसर मिल सकता है। वहीं बात करते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप, तो हर एक मंगलवार और शनिवार को घर में सुंदर कांड का पाठ करें या फिर अपने गुरु मंत्र का जितना हो सके उतना अधिक जाप करें। ये दोनों कर सकते हैं या दोनों में से एक तो जरूर करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। आपका नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा गुजरने लगेगा। नवंबर के महीने को बेहतर बनाने के लिए ये उपाय जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपका कुछ सेकंड लगेगा इसमें, लेकिन बहुत सारे भाई बंधुओं को इसका लाभ मिल सकता है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप आनंदित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। प्रेम से बोलें हर हर महादेव।